मीणा समाज के इस छात्रावास के लोकार्पण समारोह में आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय हीरालाल जी नागर साहब, पंचायत समिति के प्रधान श्री जयवीर सिंह जी, जिला प्रमुख मुकेश जी, उप प्रधान ओम जी, डेयरी के अध्यक्ष श्रीमान चैन सिंह जी, श्री मधुबाला जी मंच पे विराजे, मीणा समाज के अध्यक्ष श्री प्रहलाद मीणा जी, उपाध्यक्ष छगनलाल जी, महामंत्री रामकिशन जी, रामदयाल जी, कारूलाल जी, उदयलाल जी, गुलाब सिंह जी और सभी पदाधिकारीगण, मैं मीणा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सांगोद तहसील के अंदर छात्रावास के निर्माण को मूर्त रूप दिया। इस देश के अंदर आदिवासी मीणा समाज का बहुत बड़ा योगदान है, आजादी दिलाने में योगदान रहा, आजादी के बाद देश की प्रगति, खुशहाली, समृद्धि लाने में किसान के रूप में, अन्नदाता के रूप में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में बहुत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए, लेकिन हमारा लक्ष्य और बड़ा है। दुनिया में आर्थिक परिवर्तन में भी और सामाजिक जीवन में परिवर्तन करना है, क्योंकि सामाजिक जीवन में परिवर्तन करे बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आजादी के पहले हम एक लंबे समय तक गुलामी कालखंड में रहे, गांव में शिक्षा नहीं पहुंची, जिसके कारण जो समृद्धि आनी थी, खुशहाली आनी थी, वो नहीं आ पाई। लेकिन आजादी के बाद शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, शिक्षा की जो जो पहुंच पहुंचती गई, लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आते हैं। और यही कारण है आज मीणा समाज के लोग देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर राष्ट्र की सेवा में नेतृत्व कर रहे हैं। देश की उच्च सेवा के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं, सीमा पर नेतृत्व कर रहे हैं, अर्धसैनिक बल में नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे बीच में मधुबाला जी बैठी है, एक छोटे से गांव के अंदर देशभक्ति का जज्बा लेकर सीमा पर पहुंचे, ऐसी अटूट आस्था देश के प्रति मीणा समाज की है। इसलिए चाहे अन्नदाता के रूप में किसान के रूप में हो, चाहे सीमा पर लड़ने वाले नौजवान के रूप में हो, चाहे प्रशासनिक सेवा के माध्यम से, राजकीय सेवा के माध्यम से लोगों सेवा करने का काम, हर क्षेत्र में मीणा समाज ने
अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन हमें उस अंतिम छोर तक अगर शिक्षा पहुंचानी होगी तो हमें ऐसे छात्रावास का निर्माण करना होगा, क्योंकि कई परिवार और कई लोग ऐसे हैं जो दूर दराज के गांव के अंदर, और दूर दराज के गांव के अंदर होने के कारण उनको जो उच्च शिक्षा मिलना चाहिए वो उच्च शिक्षा गांव में उनको नहीं मिल पाती। इसलिए तहसील पर छात्रावास का निर्माण, ताकि दूर दराज का गांव का व्यक्ति आए, सांगोद में पढ़े, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, आईआईटी करे और यहां पर कंपटीशन की तैयारी कर नेतृत्व करें। इसके लिए समाज को, सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनका लक्ष्य है कि समाज का हर नौजवान पढ़कर देश का नेतृत्व करेगा, और नेतृत्व करने के लिए जो संसाधनों का अभाव होगा उन अभावों को समाज सामूहिकता से मिलकर पूरा करेगा। मैं देखता हूं कोटा एक शैक्षणिक नगरी है जहां पर देश भर का विद्यार्थी पढ़ने आता है। अब एक बच्ची दूर दराज के गांव से आकर अकेली नहीं रह सकती, परिवार का व्यक्ति साथ या तो रहे, नौजवान तो किसी के साथ शेयरिंग कर लेता है, किराए पर ले ले छोटे मकान पर ले। इसलिए महिला छात्रावास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैंने देखा एक दिन जब मैं कोटा के स्टेडियम के अंदर सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन करके निकल रहा था तो कुछ बच्चियां निकल रही थी, मैंने कहा ये कहां पैदल जा रही है, मैंने पूछा बेटा कहां जा रही हो कि हम छात्रावास में रहते हैं, मैंने कहा गाड़ी वाली में पैदल ही जाएंगे घूमते, मैंने कौन से गांव में, कोई बूढ़ा दी, कोई दिगो, कोई सुल्तान, कोई दूर दराज के गांवों के अंदर, अगर वहां महिला छात्रावास न होता तो बेटी कैसे पढ़ती, कैसे उनके माता पिता उनको भेजते, कोई मेडिकल की तैयारी कर रही थी, कोई आईआईटी की तैयारी कर रही थी, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ी थी, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ी थी, कोई पटवारी की कर रही थी, कोई थानेदार की ट्रेनिंग कर रही थी। इन छात्रावास का कितना बड़ा उपयोग है लोगों के जीवन बदलने के लिए। इसलिए हमें और प्रयास करना चाहिए कि तहसील स्तर पर हम छात्रावास बनाएं, जिले स्तर पर छात्रावास बनाएं और समाज लक्ष्य बना के चले कि दूर दराज के गांव के अंदर आने वाला विद्यार्थी, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, वो उच्चतम शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा के लिए न धन का अभाव रुकावट आए, न उसके शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी है। अगर ये लक्ष्य हमने सबने मिलकर बना लिया तो जो जो शिक्षा पहुंची है इस 75 साल की प्रगति में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो शिक्षा का है कि दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। यह हमारा एजुकेशन और बौद्धिक क्षमता के कारण मिला है, और इसीलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। हमने सांसद कोष का पैसा दिया है तो पैसा आपका है, हमने कोई एहसान नहीं किया, ये तो आपने हमें जिताकर भेजा। हमारा दायित्व है कि हम हर समाज के सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का विकास हो, सामाजिक परिवर्तन हो, ये हमारा दायित्व है। और मैं चाहूंगा कि और कमी होगी तो और करेंगे, लेकिन ऐसे तहसील में छात्रावास निर्माण की बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।